हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मंत्रों से बारिश होती है। देखिए, उसके पहले एक विषय को जान लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। उसके पहले देखिए होता क्या है। हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी मेरे पास गोडाउन है, आप गोडाउन का काम करते हैं या गोडाउन शिफ्टिंग कर दीजिए, ये है वो है। देखो, एक चीज़ हम बताते हैं, ना तो तुम्हारे पास कभी गोडाउन है, ना तो तुमने आज तक कभी गोडाउन देखा है, ठीक है। अब वजह क्या है हमारे ये बात बोलने की कि इस क्षेत्र में, तंत्र की दुनिया में हमने कदम रखे हुए आज 17.5 साल या 18 साल हो चुके हैं। तो ये अनुभव जो है, उस अनुभव के क्षेत्र में हम बता रहे हैं। और गोडाउन छोटे मोटे लोगों के पास नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमको बताओ कि अगर तुम गोडाउन हमारे पास लेकर आ रहे हो या किसी के पास भी लेकर आ रहे हो, अगर तुमको पता है कि कहीं पैसे का गोडाउन है, तो अगर तुम उसको इनकम टैक्स वालों को बता दोगे तो उसका तो 25% तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, 25% तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो तुम क्यों हमारे पास गोडाउन लेके आ रहे हो, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या गोडाउन शिफ्टिंग का काम होता है? हाँ, गोडाउन शिफ्टिंग का काम होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन गोडाउन सबके पास होता नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। अब बात यह होती है कि गोडाउन होता है तो लोगों के नज़र में नहीं होता है। एक चीज़ तुम हमको बताओ, मान लो कि तुम्हारे पास गोडाउन है, ठीक है, तुम्हारे पास गोडाउन है, तो तुम्हारे पास गोडाउन है तो तुमको कैसे पता कि वो गोडाउन है? पहली चीज़ कि तुमको कैसे पता, तुम तो सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हो। तो देखो, सुनी सुनाई बातों पे चलना कर दो बंद, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। क्योंकि देखो, हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है ना, जिनके 1-1 करोड़ के घर थे, प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी, गाड़ी घोड़ा थी, बहुत सी चीज़ें थी, गोडाउन शिफ्टिंग और ये वो चीज़ों में पड़े। आज सब खत्म हो गया, आज ये नौबत है कि कहीं ना कहीं नौकरी करना है 8-10 हज़ार रुपये की, उसी से उनकी जीवन व्यापन हो रही है। तो एक बात को जान लो कि गोडाउन शिफ्टिंग के चक्कर मत पड़ो। हाँ, कार्य बिल्कुल होता है गोडाउन शिफ्टिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये परामर्श है आप लोगों को कि आप लोग कमाई करिए। आप जो अपनी मेहनत से कमाएंगे, सबसे अच्छा पैसा वही है, वो आपको सुख देगा, समृद्धि देगा, आपके घर में खुशहाली होगी। उससे ये गोडाउन शटडाउन के चक्कर में ना पड़िए, सब क्षेत्र बर्बादी का क्षेत्र है आपके लिए, तो बर्बादी के क्षेत्र में मत जाइए, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले थे कि क्या मंत्रों पे नोटों की बारिश होती है। देखिए, पहली चीज़ कि मंत्रों पे कोई नोटों की बारिश नहीं होती, एक बात को आप जान लीजिए कि मंत्रों पे कोई नोटों की वर्षा नहीं होती। तो अब प्रश्न आता है कि नोटों की वर्षा होती किस पे? देखिए, कुछ साधनाएं हैं, हाँ ये हम आपसे ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी ऐसी साधनाएँ दी जाएंगी जिससे आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपकी कमाई होने लगेगी, आपका कर्ज है वो भी मुक्त हो जाएंगे। आप ये साधना आपको देंगे। ये कहिए कि आप नोटों की बारिश के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, तो पहली चीज़ कि कोई भी पूजा आप करते हैं तो उसमें लगता है पैसा। देखो, 100 की सीधी एक बात, हम खुली बात कहना जानते हैं, उसमें लगता है पैसा। अब पैसा कैसे लगता है, हमें दो ना दो, वो अलग की बात होती है। अब तुम मान लो किसी शक्ति की साधना करते हो तो वो शक्ति को तुमको चढ़ाने के लिए फूल माला मिठाइयाँ लगती हैं, है ना, तो वो तो तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन तुम तो पहले से ही भूखे नंगे हो, तो तुम भूखे नंगे हो तो चढ़ाओगे क्या शक्ति को, कैसे सिद्धियाँ कर लोगे? चलो, तुमने सिद्धियाँ भी कर ली, सिद्धियाँ करने के बाद तुम्हारे पास जब गोडाउन ही नहीं मिलेगा तुमको, या कुछ मिलेगा ही नहीं, तो तुम काम किस पे करोगे? क्या राशन की बोरी वोरी चोरी करवाओगे क्या शक्तियों से? हैं, क्या समझ में आ रहा है तुमको? तो ये बात जान लो कि किसी भी साधना को या किसी भी चीज़ों को करने के लिए लगते हैं पैसे। आज का वो समय नहीं रह गया कि भावना से काम हो जाएगा, भावना वावना से कोई काम नहीं होता। एक बात जान लो, भोग चढ़ाओगे, बदले में तुमको शक्तियाँ देंगी, शक्तियाँ मंत्र जाप से होती हैं, और मंत्र जाप से एक शक्तियों को हासिल किया जाता है। मंत्र जाप से बारिश वारिश नहीं होती, मंत्र जाप से शक्तियाँ आती हैं, वो शक्तियाँ बारिश करती हैं, मंत्र जाप से कोई बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आप अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए। बहुत सारी साधनाएं डाली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जो आपको एक सुखी जीवन व्यापन करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है ना।
तो आप उनको देखिए। और पहली किसी भी साधना को करने के पहले अपने गुरुजी से राय विमर्श जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। गुरु से अपने राय विमर्श कर लें कि ये साधना हमारे योग्य है या नहीं है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमको लखुटिया सिद्धि करा दीजिए। अरे पहले तुम उस योग्य हो कि नहीं हो ये तो पहले जान लो। सिर्फ आया साधना शुरू कर लिए, क्या हलवा वलवा है क्या कि जो आया जिसका मन किया वही साधना शुरू कर दिया। इतनी आसान होती साधना तो फिर आज हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हजारों हजार साल तपस्या करते थे, सौ साल तपस्या करते थे, क्या वो मूर्ख थे क्या कि तुम जो सोचते हो कि 2 दिन 4 दिन 6 महीने में सिद्धियाँ मिल जाएंगी तुमको। ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते और ऐसे लोगों का ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। 100 की सीधी देखो एक बात होती है। तो मेहनत करो, अपने कमाई पर ध्यान दो, अपने जो तुम कारोबार करते हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कारोबार देखो कारोबार होता है, उसको धीरे धीरे चलाते रहो। हाँ, उसके लिए मंत्र विधान कोई भी परेशानियाँ हो वो पूछो, उसके लिए बहुत सारी विधियाँ आती रहेंगी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती तो आप एक बार कमेंट करके उसके बारे में पूछ लीजिए, उसके लिए भी वीडियो अलग से आप लोग को बना दी जाएगी। बाकी आप गोडाउन शिफ्टिंग या इन सबों के चक्कर में मत पड़िए, हमारा एक यही परामर्श आपको होगा। नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, घर में खाने खाने के पैसे आपके नहीं बचेंगे, दाने दाने के लिए आप मोहताज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गोडाउन शिफ्टिंग के चक्कर में आप पड़िए ही नहीं। देखिए जो बात सही है वो बात सही है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता है, कार्य होता है, 100% कार्य होता है। लेकिन क्या पता आप लोगों की उस आदमी तक पहुंच है नहीं है, आप लोगों के पास गोडाउन है नहीं है, आप लोग सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं, गाड़ी में तेल भरवा के दिन भर दौड़े जा रहे हैं, कभी इनके पास तो कभी उनके पास, क्या मतलब है। आपके जेब में जो 1,000-10,000 रुपये थे वो भी जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा आप बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे अच्छा वही चीज़ों को जो आप समय 2-4 घंटे और जो पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं वही आप अपने काम धंधे में लगाइए। तो उससे क्या होगा कि कल के दिन आपको 2 पैसा और मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कल के दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और इसमें क्या, इसमें तो सिर्फ जा रहा है, क्या पता है मिलेगा नहीं मिलेगा। आप जानते हैं क्या कि मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने काम धंधे में लगाइए। हाँ, आपको कोई परेशानी है, ऊपरी दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप संपर्क कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन गोडाउन शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में ना पड़िए। देखिए 100 की सीधी एक बात है, और जो गोडाउन शिफ्टिंग के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं, हम आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं 18 साल का, कि 95% लोग को हमने देखा कि वो बर्बाद हो गए। अब 5% जो लोग, जिसमें से 3% लोग थे, वो तो पहले ही इस लाइन में उतरे, कुछ दिन देखा, उन्होंने जब देखा कि कुछ नहीं, जो समझदार व्यक्ति थे वो इस लाइन को तुरंत ही छोड़ दिए। बाकी जो जो अभी भी इस लाइन में पड़े हुए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है ना। इसमें मीडिया, कभी होता क्या है कि मीडिया डॉक्टर को चूतिया बना देती है, यानी कि साधक को चूतिया बना लेती है, और कभी होता क्या है कि मीडिया जो है या डॉक्टर जो है कभी मीडिया को बना लेता है। तो यही 2 चीज़ें होती हैं। तो इससे अच्छा कि आप इन सबों के चक्करों में से दूर रहिए, ठीक है ना। अपनी सुखी ज़िंदगी को व्यापन कीजिए। और आपकी अगर दुकान उकान है तो उसके लिए साधनाएँ डाली हुई हैं कि दुकान आपकी कैसे चलाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई अगर आपको दिक्कतें होती हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, उसके लिए भी आगामी वीडियो में साधना आती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको आगामी वीडियो में बहुत सारी साधनाएं दी जाएंगी। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। और कोई भी साधना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार अपने गुरु से उसके लिए राय विमर्श जरूर कर लें, ठीक है ना, ताकि आप उस योग्य हैं या नहीं हैं। तो इस बात को आप पहले देख लें, इन सब चीज़ों को पहले समझ लें, उसके बाद आप साधना प्रारंभ करें, ठीक है। चलता हूँ साधकों, आशा करता हूँ हमारी बताई हुई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस लाइन से दूरी रहिए, नोट वर्षा या धन वर्षा से। हाँ, अपनी साधनाएँ कीजिए, एक सुखल जीवन व्यापन कीजिए, उसके लिए आपको साधनाएँ मिलती रहेंगी। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।